इफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो यहां से अगर हम देखेंगे आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस 3 ये वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 और आ जाएगा माइनस cos थीटा और इधर जाके क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या गई हमारे पास में cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 cos थीटा की वैल्यू कब होती है, जब एंगल क्या हो 2π/3 हो, यहां से वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 2π/3। अब एक हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर हमसे किसी ने पूछा है कि cos x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ओके, नाउ सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पे 2 थीटा के लिए अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा nπ प्लस माइनस π/3। ओके, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू हो गई, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3। बस इसमें हमें बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना था कि cos x is equal to cos alpha का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x is equal to 2nπ plus minus alpha और यहाँ पे n क्या है, कोई से भी इंटीजर वैल्यू।